साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। सो हाई कृष्ण प्रणाम मिर्मुनिक और आप देख रहे हो स्पोर्ट के, तो स्पोर्ट है आपका स्वागत भाई साहब। तो आज हम दोस्तों बात करने वाले हीरो एशिया कप के बारे में बात करेंगे। आज अपना कहीं सेकंड राउंड का पहला मैच होने वाला है जापान के साथ, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों मिली का वीडियो ना तीन पार्ट में होने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे मैचेस आप कहां पे देख सकते हो, कितने बजे मैचेस होने वाला है, वॉच अलॉन्ग भी करेंगे, उसके ऊपर भी बात करने वाला है। सेकंड पार्ट में दोस्तों बात करेंगे कि दोनों टीम की वीकनेस क्या है, स्ट्रांगनेस क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। एंड इन लास्ट दोस्तों मैं अपने एक कंक्लूजन दूंगा कि मुझे क्या लगता है कि मैच कैसा जाएगा और मैच दोस्तों कौन जीत सकता है और कितने गोल के डिफरेंस से जीत सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर गाइस अपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो यार। और चलो गाइस अभी स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अगर मैं स्टार्ट करूं दोस्तों, ये मैचेस आपको कहां पे देखने मिलेंगे? ऑफ कोर्स दोस्तों ये आपको मैचेस देखने मिलेंगे स्टार स्पोर्ट्स सिलेक्ट 2 पे और हॉटस्टार पे देखने मिलेंगे। स्टार स्पोर्ट्स फर्स्ट दोस्तों वहां पे दिखा तो रहा है, बट मैंने दोस्तों भी टीवी का शेड्यूल चेक किया, वहां पे उन्होंने कैसे भी कुछ लाइनअप किया नहीं यार। बट फिर भी दोस्तों जो भी होगा आपको गाइस वॉच अलॉन्ग में बता दूंगा कि वहां पे लगने वाला है कि नहीं लगने वाला, अपने जो भाई लोग हैं दोस्तों आपको गाइस अपडेट कर ही देंगे। बट उसमें मुझे स्टार स्पोर्ट्स फर्स्ट का दोस्तों बिल्कुल भी लग नहीं रहा कि वो दिखाएंगे। बट स्टार स्पोर्ट्स सिलेक्ट 2 और हॉटस्टार पे दोस्तों आप देख ही सकते हो यार कितने दोस्तों कितने बजे मैच होने वाला है। ये दोस्तों मैच होगा आज, दोस्तों मैच होने वाला है शाम को 5 बजे। हम इसका वॉच अलॉन्ग लेके आ जाएंगे, 5:45 के करीब आ जाएंगे यार। हम बातें करेंगे क्या हो सकता है, क्या आपके दोस्तों में लाइव लूंगा प्रेडिक्शन और उसमें मुझे क्या लगता है आपको मैं लाइव बताऊंगा। तो यार गाइस अपने गाइस अब ये अपनी बात होगी, अपने मैच कहां पे देख सकते हो और ये मैच कितने बजे होने वाला है। अब हम दोस्तों चलते हैं अपना जो गाइस मेन चीज है कि स्ट्रांग पॉइंट्स और वीकनेस दोनों टीम की। अगर मैं बात करूं तो अगर मैं इंडिया की वीकनेस से शुरुआत करूं ना दोस्तों, इंडिया की ज्यादा वीकनेस ही है, स्ट्रांग पॉइंट तो बताऊंगा बट वीकनेस दोस्तों तो इंडिया की है ना यार, वो है दोस्तों अपनी पेनल्टी कॉर्नर यार। हमने पेनल्टी कॉर्नर दोस्तों इतने मिस किए कि मैं क्या ही बोलूं यार, वन ऑफ द बेस्ट वर्स्ट, मतलब जो 5-6 टीम दोस्तों इस टूर्नामेंट में अच्छी खेल रही है ना यार, उसमें सबसे हमारा वर्स्ट पेनल्टी कॉर्नर का रिकॉर्ड रहा यार। एंड वो दोस्तों मुझे बहुत दिक्कत वाली बात लग रही है, हमें कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं लग रहा कि कौन ले सकता है। वो एक नीलम करके प्लेयर है, वो अच्छा लेता है, आई थी तो हमने कार्तिकी है, उसने सिर्फ एक पहले मैच में गोल मारा था। सो देयर आर मतलब कोई ऐसा उम्मीद ही लगती नहीं है। जब पेनल्टी कॉर्नर मिलता है ना यार, तब ऐसा लगता है क्यों पेनल्टी कॉर्नर मिला, बिकॉज उससे कुछ होने तो नहीं वाला यार। तो ये दोस्तों दिक्कत वाली बात है, तो हमको उस पर उसके ऊपर कैसे इंप्रूव करना पड़ेगा। और सेकंड चीज दोस्तों, हम ना इंटेंसिटी मेंटेन नहीं कर पाते। अगर आपने देखा होगा जापान के मैच में, पाकिस्तान के मैच में, लास्ट के मोमेंट में हम बहुत सारे गोल खा लेते हैं। अगर कुछ जापान वाले मैच के बारे में याद होगा, 3rd, 4th, 5th ओवर हमने फटक से आई थिंक सो 2 quarter के अंदर हमने खा लिया था। लास्ट के क्वार्टर में हमने 2 गोल खा लिए थे, पाकिस्तान के सामने उसमें लास्ट के मिनट में गोल खा लिया था। तो हमको थोड़ी इंटेंसिटी मेंटेन करनी यार, स्टार्ट से लेकर एंड हमको बिल्कुल भी सांस नहीं लेनी है। हमको जैसे पहले मिनट में इस गेम को स्टार्ट किया है, वैसे ही हमको लास्ट मिनट तक खेलना पड़ेगा, तो हम उसे मैच जीत सकते हैं यार। वो अगर दोस्तों इंडिया के पॉजिटिव्स की बात करूं तो पॉजिटिव अपना राजभर भाई, वो बंदा बहुत बेहतरीन खेल रहा है यार, एंड होप दोस्तों वो ऐसे ही खेलते रहे। और अगर बात करूं मैं कीपर है सूरज करकेरा, ही इज ऑसम। अगर मैं डिफेंस लाइन की बात करूं तो मैं बोलूंगा ठीक ठाक ही है। हमारे गोल स्कोरिंग हो रहा है यार, बट दिक्कत वाली बात वही है, हमने दोस्तों गोल स्कोर किया इंडोनेशिया के सामने, पाकिस्तान के सामने सिर्फ एक ही गोल स्कोर किया था और जापान के सामने हमने गोल्स 2 स्कोर किए थे। उसमें दोस्तों उसमें अपने राजभर ने दोस्तों हमारा बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था यार। दोस्तों ये वाले मैच में हमको राजभर के अच्छा खेले ऐसी हम उम्मीद करते हैं, और जो उत्तम सिंह है अपने और बाकी जो मेरे फॉरवर्ड यार वो भी अच्छा करे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और जो उनको गाइस फॉर्म मिला है, जो उनको एक क्या उसको बोलते हैं एक कॉन्फिडेंस मिला होगा इंडोनेशिया जीत के बाद, एक लंबी जीत के बाद, तो हो गई उस कॉन्फिडेंस का फायदा उठाए ऐसे उसमें मैं चाहता हूँ। तो ये दोस्तों इंडिया के कुछ पॉजिटिव है यार। अगर मैं जापान की बात करूँ तो जापान की अगर मैं उसकी उनकी दोस्तों जो एक चीज है ना उनके नेगेटिव एक्सेप्ट उनके क्या लगता है वो दोस्तों उनका है वो लास्ट के मोमेंट में क्रम्बल हो सकते हैं यार। वो मैं देखा है अगेंस्ट पाकिस्तान वाले मैच में 3rd और 4th quarter में, अगर पाकिस्तान की बात करूँ उन्होंने बहुत अच्छे से डोमिनेट करके रखा था। तो अगर गाइस हम भी दोस्तों अगर 3rd एंड 4th quarter में बॉल रखेंगे, हम अटैक करने जाएंगे, तो हम गाइस उनको पीछे छोड़ सकते हैं यार, हम शायद से थोड़ा डोमिनेट हो सकते हैं। और उनका कीपर बहुत खतरनाक है उनका, अगर पॉजिटिव दोस्तों सबसे पहली पॉजिटिव बात है यार कीपर उनका, कीपर तो के बारे में क्या ही बोलूं। उसने जो सेव किए थे पाकिस्तान के सामने यार, उस बंदे को हेड्स ऑफ देने का मन करता है लिटरली। इंडिया के सामने भी उसने सेव किए थे, बट पाकिस्तान के सामने तो भाई उसका क्या ही कौन सा लेवल खेल रहा था मुझे लिटरली समझ में नहीं आ रहा था, इट वॉज जस्ट अमेजिंग। और हमारे सामने आपको पता ही दोस्तों इंडिया के सामने सारे कीपर के अंदर भाई एक वर्ल्ड नंबर 1 की आत्मा आ जाती है। तो होप दोस्तों ये वाले मैच में ऐसा होना यार, एंड लेट्स सी लेट्स। और हमको पिछले बार की तरह करना नहीं यार। और जापान की तो दिक्कत वाली बात करूंगी, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये भी है कि वो लॉन्ग बॉल दोस्तों बहुत देंगे यार, तो लॉन्ग बॉल से हमको बच के रहना है। उनके दोस्तों फॉरवर्ड आए थे, उनका एक फॉरवर्ड 5 गोल हो चुके हैं, यामा आशी कुछ उसका नाम है, अभी आपको उसका नाम आ रहा होगा, तो उसे भी बच के रहना। वाइड फॉरवर्ड जो उनके अच्छे हैं, कीपर का मैंने बता ही दिया, डिफेंडर उनके थोड़े बहुत मिसप्लेस होते हैं, थोड़ी स्लॉपी है, बट मिडफील्डर सारे उनके गाइस मिडफील्डर उनके अच्छे, उनके जो कैप्टन है दोस्तों वो भी बहुत बेहतरीन है यार, तो उससे भी हमको गाइस बच के रहना है। तो ये दोस्तों कुछ पॉजिटिव्स है।
नेगेटिव्स की अगर मैं उनकी नेगेटिव्स की बात करूँ तो यार आप थोड़ा डिफेंस को ना थोड़ा स्लॉपी है उनका, तो हम गाइस गोल स्कोर कर सकते हैं अगर हमको गाइस चार अपॉर्चुनिटीज मिली दोस्तों, तो चार में से कम से हमको गाइस तीन गोल करने ही पड़ेंगे यार। और पेनल्टी कॉर्नर इट विल बी की यार, इट विल बी अ की। जापान के पेनल्टी कॉर्नर अच्छे, हाँ पेनल्टी कॉर्नर गाइस वो वेरिएशन ट्राई करेंगे यार, अगर एक दो में वो पहले ड्रैग फ्लिक की कोशिश करेंगे, पर अगर एक दो ड्रैग फ्लिक से अगर गाइस उनको गोल नहीं मिले वो गाइस जाएंगे अपना वेरिएशन ट्राई करेंगे और गाइस वो वेरिएशन से गोल ठोकने की कोशिश करेंगे यार, तो हमको उससे ही बचना है। तो ये दोस्तों कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि गाइस यही है टीम के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स। अगर उसमें बात करूँ कि अभी मेरा कंक्लूजन क्या दोस्तों, तो कंक्लूजन में गाइस मुझे लग रहा है कि जापान विल विन दिस मैच यार। अब कितने स्कोर लाइन से जीतेगी, जो 5-2 का पिछले वाला आई थिंक दोस्तों वो फिर से रिपीट हो सकता है, पर अगर मैं दोस्तों जाऊँ आई विल गो टू गाइस 4-2 यार, मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों ये वाला मैच इंडिया 4-2 या फिर 4-1 से मैच हार जाएगा। होप दोस्तों ऐसा होना कि इंडिया कोई चमत्कार कर सकती है, ऑफ कोर्स यार इंडिया की चमत्कार कर सकती है ऐसा उसे मुझे उम्मीद है, बट मतलब तो समझ रहे थोड़ा अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूँ ना यार, प्रैक्टिकल दोस्तों ऑन पेपर मुझे थोड़ा जापान स्ट्रांग लग रहा है और ऑफ कोर्स उनकी मेन टीम है तो स्ट्रांग लगेगा यार, बट फिर भी दोस्तों अभी हमको बस मैं इतना चाहता हूँ कि हमारी टीम ने अभी 3 मैच खेल चुकी है और 3 मैच दोस्तों बहुत होता है, तो वो छोटी मोटी गलतियां ना करे यार, पासिंग अच्छी करे, अपना बॉल कंट्रोल अच्छा रखे, बॉल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा करे, ज्यादा टर्न ओवर सामने वाली टीम को ना दे यार, तो ऐसे छोटी छोटी चीज है उसके अगर हम दोस्तों ध्यान रखेंगे ना यार फिर तो हमारा गेम अच्छा हो ही जाएगा ऐसा मुझे लगता है। तो बस दोस्तों होप करते हैं कि हमारी टीम अच्छी खेले यार, हमारा 100% है एंड फिर दोस्तों रिजल्ट जो होगा वो कैसे देखा जाएगा। तो बस कैसे दोस्तों आज के वीडियो में इतना रखते हैं, आपको सो क्या लगता है आपको दोस्तों स्कोर क्या लगता है, स्कोर रन क्या लगती है, आपके दोस्तों प्रेडिक्शन क्या है मुझे इस कमेंट सेक्शन में बता देना। तब के भाई साहब पीस आउट एंड दोस्तों आपको लाइक करना है तो गाइस प्लीज लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों के साथ और उनको सपोर्ट करो यार। तब के भाई साहब पीस आउट और वॉच लेंगे दोस्तों आ जाना शाम को 4:45 बजे। पीस।